नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर फिर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। दरअसल सगरा थाना क्षेत्र के इटहा गांव में राम प्रकाश यादव की हत्या गोली मारकर की गई। आरोपी दीपक शर्मा आदतन अपराधी है, जो कुछ समय पहले ही कट्टा सहित पकड़ा गया था, जिसे छुड़ाने में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का हाथ था। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि मृतक के बहन और भाई ने मीडिया के सामने ही लगाया है। आपको बता दें कि सिमरिया क्षेत्र में विरोधियों को कुचलने के लिए झूठे मामले दर्ज करने और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप सिमरिया विधायक पर कई बार लग चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ही एक आरोपी ने गरीब किसान की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और अपराधी की संपत्ति से मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग कर रहे हैं। शव घटना स्थल पर ही पड़ा हुआ है, वहीं कई अन्य दलों के जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं, जो पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं मृतक की बहन और भाई ने किस तरह से सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर अपराधी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसने उसे कट्टे से हत्या की है, जिसके साथ विगत दिनों पकड़ा गया था और विधायक ने छुड़ा भी दिया था। दारू बांधा यहाँ पीता तो बिजबा। कल की घटना में हम लोग को ये 7 बजे करीब पता चला है कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है, और साथ में वो मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे, जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा, और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। मृतक के पहले पकड़ गया था, कट्टे के साथ कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में। फिर वहाँ से थाना ले जाया गया, यूनिवर्सिटी थाना। फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। उसकी गिरफ्तारी हो और उनके बाल बच्चों के लिए राहत चाहिए। मामले दर्ज है, आपराधिक व्यक्ति है क्या वो जिसने मारा है? हाँ, उसके तो बहुत सारे, मतलब 5-6 साल से यही चल रहा है। 12 अगस्त 2016 को हमारे पिताजी को ही मारा था, वही दीपक शर्मा और धीरेन्द्र शर्मा, जिसमें हम लोग गोली मारने का क्या कारण है, कुछ पुराना विवाद मानते हैं क्या? पुराना विवाद वैसे कुछ नहीं है, वही जमीनी विवाद चल रहा है जहाँ हम लोग का घर बना है। ये कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे? ये तो बर्मा का काम करते थे, बकरी चराते थे, अपना घर मजदूरी। क्या नाम है मृतक का? राम प्रकाश यादव। आपको नाम की? मैं बहन हूँ, चचेरी। नाम क्या है? मेरा सुषमा यादव नाम है। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में कट्टा धमकी दिया, एक हरजन के घर ला दिया। पहले शुरू में ये लोग रहे उसको बरजे, तो वो भाग गया, हम लोग जाके आगे बुताए और फिर झगड़ा किया तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में। फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए, केपी सिमरिया का विधायक। छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वही कट्टा से काल मॉडल कर दिया। क्या विधायक का संरक्षण मिला हुआ था क्या उसको? हाँ विधायक उसका रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदारी अब हम मामा फूफू के ही, अब हम कहा बताइए अधिक। बामन बामन कहीं तो बोलता है। क्या लगता है उसने पकड़ गया था, अगर न छुड़ाया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी, नहीं मार पाता? हाँ, कट्टा न मिलता, कट्टा नहीं दिया जाता तो नहीं मारा जाता। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करिए और उसके पूरी
पार्टी हमको पर पार्टी गई ऐसी तैसी में उसके लड़का मेहरियन को तो खाना देवा के व्यवस्था आप लोग करवा सकी थे। अभी आप लोगों की मांग क्या है? अभी अभी मांग ये है कि उनके बाल बच्चे जो हैं और आज जिस प्रकार खासकर मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी देखे पंचायत चुनाव में जैसे हुआ कि हमें राजनीति से वंचित कर दिया गया। आज ये हम लोग 2 तारीख को भी सीएम घेराव की तैयारी कर रहे हैं, ओबीसी महासभा से संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज इस पर घटना हमने सुना, बहुत ही मन से पीड़ा हो रही है, किस तरह कृत्य हुआ हमारे जिला अध्यक्ष इनके आपके रिलेशन के हैं। दूसरी चीज़ कि आज मैं मांग करता हूँ यहाँ पर अगर आया हूँ तो जब तक उसके खिलाफ आरोपी खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से लाश उठाने नहीं देंगे और मैं इसीलिए बैठा हूँ। मैं अभी रीवा आया, रेवांचल से अभी मुझे फ़ोन आया तो मैं अचानक आया हूँ, तो अभी उसका भाई मृतक का उसकी बहन आपके सामने बोल रही थी, मैं सुन रहा था कि एक महीने की ये जो मारा है इसके ऊपर 20-25 मुकदमे, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वो केपी त्रिपाठी विधायक का रिश्तेदार है। उसकी बहन और वो भाई बता रहे हैं कि एक महीना पहले जब ये कट्टा के साथ थाने में बंद हुआ था तो विधायक स्वयं जाकर इसको कट्टे के साथ छुड़वा दिया था और उसी कट्टे से इस व्यक्ति की हत्या हुई। आज सिमरिया विधानसभा में 64 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, गांव वही गांव, चोरी के छोटे छोटे सरपंचों के, जो गलत काम न करे, जो बात न माने, जो थोड़ा विरोध के बोल दे, जो चमचागिरी न करे, सबके ऊपर मुकदमे। बिल्कुल बिहार बना के रख दिया है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र। बैरनाथ क्षेत्र में छोटे छोटे गरीब जो थोड़ा बहुत अपना काम करते थे, ट्राली दो ट्राली पथरा अपना ढोकर पेट पालते थे, आज सब बंद है, उनके ऊपर वो सब जेल में हैं, बड़े बड़े मुकदमे बना दिए गए। एक दिन हमको पुरानी से फ़ोन किया कि हमने भगत शुक्ला का जिंदाबाद बुला दिया था भैया, तो कल जेल से छूटा हूँ, 376 का मामला बनवा दिया गया और रो रहा था चिल्ला के। अभी की हरिधान को कुछ अच्छा देखा है भाई? जनता ने क्षेत्र में विकास के लिए वोट दिया था, कुछ अच्छा करने के लिए वोट दिया था, इसको बदलापुर बनाने के लिए वोट थोड़ी दिया था कि सिमरिया को एकदम बिहार और सीवान बना कर रख दो। बहुत हालात ख़राब है, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर न्यायों के लिए ही काम करना है, उनके इशारे पर ही पूरा न्याय हो जाना है तो हम सब लोग रीवा छोड़ के चले जाएँ। गरीब अब यहाँ नहीं रहे, हम सब यहाँ नहीं रहे, बहुत बुरी स्थिति है। अब तो आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, नहीं तो अब नहीं लगता है कि जी। धन्यवाद। इसमें देखिए अभी जो मृतक के बड़े भाई हैं, उनकी मृतक की बहन है, बहन ने भी बताया कि जो अपराधी है ये इसके पूर्व में भी जो है तो कई घटना अभी गांव में कर दिया। एक साकेत परिवार में जो है तो आग लगाया, इनके पिताजी के साथ मारपीट किया, अजगराहा में जो है तो कट्टे के साथ एक महीने पहले जो है तो पकड़ा गया, ऐसी तमाम जो है तो उसकी आपराधिक घटनाएं थी। अभी जो हाल में मैं एक महीने पहले विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ा था और कट्टे के साथ जब्ती बनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण उसको जो है तो छोड़ दिया गया। यदि कट्टे के साथ उसको न छोड़ते तो आज शायद ये घटना न घटी थी, आज राम प्रकाश हमारे बीच में होते और हम लोग यहाँ इकट्ठा न होते। तो जो परिस्थिति है, निश्चित तौर पे जो यहाँ के शासन सत्ता में बैठे लोग हैं वो राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और यहाँ तो ये माहौल है। खासकर यदि अपने सिमरिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ तो यदि विरोध की बात कोई करता है तो उसको जो है तो पहले ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। धमकी ही नहीं, लगभग ऐसे सिमरिया विधानसभा में 50 ऐसे मामले हैं जो फर्जी मुकदमा जो है तो झेल रहे हैं। तो विधायक के ऊपर आरोप है सीधे केपी, अब जो सत्ता में है बिल्कुल उन्हीं के ऊपर है, जो सत्ता में है पुलिस प्रशासन उन्हीं के बस्ता ढो रही है, आम जनता जो है तो गुहार मार रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, जबरा मारे रोवे न दे वो वाली कहानी चल रही है। हाँ, राजनीति का शिकार गरीब हो रहा है, गरीब हो रहा है। जी जी, क्या चाहते हैं अभी आप लोग, क्या मांग है? हम लोगों की मांग ये है कि पहली बात तो ये जो अपराधी है इनको पकड़ा जाए और परिजनों की मांग के आधार पे जो है तो जो पीड़ित परिवार है तो अपराधी की जो संपत्ति चलाचल संपत्ति है उसमें जो है तो इनको हिस्सा दिया जाए, उनके भविष्य में बच्चों के लिए यही मांग है, और अपराधी गिरफ्तार किया जाए। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक बाडी जो है यहाँ से उठाने नहीं देने चाह रहे हैं परिजन, और उन्हीं के समर्थन में हम सब लोग यहाँ बैठे। कल शाम को 7 बजे शाम को वो जा रहा था मृतक राम प्रकाश यादव,
तो गांव के दो लड़के दीपक शर्मा और आदर सिंह आए, बोले कि साथ में गांजा पीते हैं, मना किया तो कट्टा से फायर कर दिए, जिससे उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। क्या मांग है? मुआवजा वगैरह का मांग है। माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब ने बताया है कि जो नियमानुसार शासन के वो हैं पात्र दे हैं वो दिए जाएंगे। पुलिस तो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही, बचाव नहीं किया जा रहा, ऐसा क्या बात है? नहीं, पुलिस तो अपने ड्यूटी में लगी है और आरोपियों की दबिश के लिए अलग से टीम भेजी गई है। कुछ हाँ लेकर के बहस कर रहे थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।